पानी दे दो बाकी साइड वाले चिपाना है ना चापना है मेडिसिन और भी ले आओ मेडिसिन और है मेडिसिन इस कड़ी में यहाँ है, ये नवी मुक्त भारत की कड़ी में आज यहाँ पे नेटिव वार्मिंग का सिलसिले शुरुआत की है, जिसका हमारा टारगेट रहेगा आंगनवाड़ी सेंटर स्कूल्स। और इसमें आज हमने यहाँ पे अल्बेंडाज और टेबलेट्स दी हैं बच्चों को, ताकि ये इसमें जो इन्फेक्शन होती है ख़त्म और अनमिया मुक्त भारत बन सके। तो सर ये प्रोसेस आगे भी चलेगा? हाँ, ये कंटिन्यू चलता रहेगा प्रोसेस। और इसके हमारा टारगेट ग्रुप रहेगा आंगनवाड़ी सेंटर्स स्कूल्स और मदरसा, और एज रहेगी 1 से 19 साल तक। आंगनवाड़ी सेंटर में यहाँ पर हमारे बेनिफिशियरीज होते हैं 0 to 5 years के लिए, इसलिए हमने यहाँ से शुरुआत की है। यहाँ पर कंट्री में आलमोस्ट 70 से लेके 80% लोग जो हैं वो अनीमिया से सफ़र करते हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, जिनमें से एक वजह जो है वर्म इन्फेस्टेशन होता है। तो वर्म इन्फेस्टेशन जो है मेजर काज है। ये भी सर्वे और एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि फील्ड में पेरिफेरी एरियाज़ में, इवन के अपने हमारे सिटी के आउटस्कर्ट में जो स्लम्स हैं, वहाँ लोग जो है अनहाइजीनिक तरीके से मीट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेते हैं, तो उनमें ये वर्म जो है इनके सिस्ट और डिफरेंट फार्म्स होती है जो ट्रांसमिट हो जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने एनीमिया मुक्त भारत करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किए, उनकी उसी की कड़ी में से एक पार्ट जो है वो डी वर्मिंग भी है। नेशनल डी वर्मिंग डे साल में 2 बार हम यहाँ करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन में, जिसमें हमारी पीएससी होंगी, एनटीपीएससी होंगी, सब सेंटर होंगे, और वहाँ से हमने कंसर्न डिपार्टमेंट के जो नोडल ऑफिसर हैं उनको हैंडओवर किए हैं। जैसे स्कूल में नोडल टीचर होंगे, आंगनवाड़ी सेंटर में इनकी आशा जो है वो नोडल आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो नोडल ऑफिसर होंगी, और हमारी जो सुपरवाइजर्स हैं वो इनको सुपरवाइज करेंगी। और हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कन्वर्जेंस प्रोग्राम है विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में, इसको आगे लेके जाएंगे और भारत को विकसित बनाते हुए अनीमिया से मुक्त करेंगे।